बिहार की सियासत में खेल चल रहा है, शहमात का खेल। सबके अपने अपने दावे हैं। इस खेल में एक नई खिलाड़ी उतरी है, लालू यादव की बहू तेजस्वी की पत्नी राजश्री, जिनका राजद की तरफ से दावा है कि जदयू के 17 विधायक गायब हैं। इधर जदयू कह रही है कि एक दर्जन से ज्यादा राजद और कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस के 16 विधायक तेलंगाना में हैं, तो इधर राजद कोटे के स्पीकर ने कुर्सी पर रहकर ही खेल करने की तैयारी कर ली है। बिहार में सियासी उठापटक अलट पलट के बाद नीतीश कुमार की नई सरकार भाजपा के साथ बन तो गई है, लेकिन सियासी खेल का पर्दा अभी नहीं गिरा है। नीतीश सरकार को 12 फरवरी को सदन में विश्वास मत हासिल करना है, जिसको लेकर सहमत का खेल चल रहा है। सभी एक दूसरे के विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं। अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को तेलंगाना में सहेज रखा है। लालू यादव की पुत्री रोहिणी ही अब तक कई मौकों पर राजद की तरफ से मोर्चा संभालती रही हैं, लेकिन इस बार मोर्चा लालू की बेटी ने नहीं बल्कि बहू ने संभाला है। तेजस्वी यादव की पत्नी राशि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सियासी हलचल बढ़ा दी। राशि का दावा है कि खेला होगा, जदयू के 17 विधायक गायब हैं। तेजस्वी पहले ही दावा कर चुके हैं कि खेल अभी बाकी है। अब राजद के नेता भी कह रहे हैं कि इस खेल के राज से 12 फरवरी को ही पर्दा उठेगा। तो जब फ्लोर टेस्ट में सरकार के रहने और नहीं रहने का ही श्योर नहीं है, तो एनडीए सरकार की बिहार में नैया तो डगमगा ही गई है। अब आदरणीय मांझी जी नाव का पतवार ही जब किए हुए हैं, तो वैसे भी अभी आगे आगे देखिए बहुत खेल होना बाकी है। ये बात तो तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर रखा है। इधर एनडीए की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि राजद और कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अपनी पार्टी टूटा देख राजद की तरफ से जदयू में टूट का भ्रम फैलाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया है कि राजद के कई विधायक इधर के संपर्क में हैं। जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं, उनको अपने अंदर की परेशानी, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में हैं, तो वहाँ कैसे अपने विधायकों को बचाएं? आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें, एनडीए गठबंधन में कहीं कोई नहीं है मामला, सब कुछ ठीक है। राजद खेमे में भी बड़ी तैयारी है। राजद कोटे के स्पीकर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ सत्ता पक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली का हवाला दे रहे हैं, जिसमें लिखा है, विश्वास प्रस्ताव के 14वें दिन या इसके बीत जाने के बाद अध्यक्ष उस दिन तक अध्यक्ष हैं जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं हो जाता, परिणाम नहीं आ जाता। जैसा होगा आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है, तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं, तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर, मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ जदयू कोटे के बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी। उनका दावा है कि कार्य संचालन नियमावली के नियम 179 में स्पष्ट है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है तो वह आसन पर नहीं बैठेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा के अपना नियमावली है, नियमावली के अनुकूल ही कोई व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो। और बिहार विधानसभा में चूंकि सर्वोच्च पद अध्यक्ष का पद होता है, तो इसीलिए हम लोगों की तो अनुमान थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो अध्यक्ष जी बोले जो इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम लोगों की तो था अनुमान जो समाजवादी नेता हैं नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं इस्तीफा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार विधानसभा का नियमावली 179 जो है, अनुच्छेद 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि पिछले विधानसभा में जब स्पीकर हटा था तो वो आसन पर जाके अपनी बात बताने का काम, सदन को करने का काम किया था, इसीलिए बहुत बहुत वो करेंगे तो जाएंगे आसन पर बैठेंगे, जिस दिन
हमारा जो बिहार विधानसभा जिस दिन खुल रहा है उस दिन तो पहले राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, उसके बाद फिर पुनः बिहार विधानसभा में सदन जब चलने लगेगी तो उस समय में अध्यक्ष जी जाएंगे अपनी बातें बता करके, उनको सदन आसन पर से हट जाना पड़ेगा क्योंकि अनुच्छेद में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में चूँकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव 28 तारीख कहीं लगा है, इसलिए उनको किसी भी हालत में चूँकि उन्हीं के विरुद्ध में मतदान होगा इसलिए वो नहीं बैठ सकते हैं। बहरहाल बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म है। 12 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र है जिसमें पहले दिन राज्यपाल के संयुक्त अभिभाषण के बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद नीतीश कुमार का विश्वास प्रस्ताव। फिलहाल नीतीश सरकार के पास 128 विधायकों का बहुमत है तो विपक्ष के पास 114 विधायक है। ऐसे में अगर 6 से 8 विधायक भी इधर उधर होते हैं या अनुपस्थित होते हैं तो खेला हो सकता है। बिहार की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।